नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रेट जीरो चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सैंपल क्वेश्चन सीरीज में एक और ऑसम लेक्चर। दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको जो ये आईसीटी वाला टॉपिक है उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यह टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया गया है और इसके लिए ऊपर लेक्चर्स भी अपलोड हो चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये सीरीज देख ली होगी। आज हम बात करेंगे इस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, जो आपको अंदाजा देगी कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है। ये जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हैं, तो एक इंग्लिश या हिंदी दोनों ही के ही एस्पायरेंट इस लेक्चर को देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? दोस्तों ये हमारा इस सीरीज का 46th लेक्चर है और आईसीटी और कंप्यूटर सीरीज के ऊपर ये हमारा पहला लेक्चर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो लेक्चर है या ये जो सीरीज है वो एमपीपीएससी एस्पायरेंट की प्रिपरेशन नीड को ध्यान में रख के की गई है। ये आपके जो एमपीपीएससी के एस्पायरेंट है उनको प्रीलिम्स के एग्जाम में तो डायरेक्टली हेल्प करेंगे और इनडायरेक्टली ये मेंस में भी उनको मदद करेंगे। इसके अलावा और भी कोई एस्पायरेंट या व्यूअर जो किसी और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है या एसएससी या फिर बैंक के एग्जाम जैसे कि आईबीपीएस या फिर एसबीआई वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, अगर उनके लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो भी इन लेक्चर्स को देख सकता है और फायदा उठा सकता है। That clear? दोस्तों ये जो लेक्चर सीरीज या ये जो लेक्चर है इसका ऑब्जेक्टिव है आपके वेरियस टॉपिक्स का रिवीजन करवाना, आपके सिलेबस का होलिस्टिक कवरेज प्रोवाइड करना, आपको आपकी प्रिपरेशन से आपको अवगत कराना, सेल्फ इवेल्युएट करवाना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आपको और किस तरीके से रीओरियंट करने की जरूरत है, आपको एग्जाम पैटर्न से अवगत कराना कि एग्जाम की क्या नीड है और आपको अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से करना चाहिए। उसके अलावा ये जो लेक्चर है वो आपको काफी मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा आप उनके जवाब दोगे और जब आप जवाब दोगे तो आपको काफी मोटिवेटेड फील होगा। प्लस आप जैसे इस सीरीज में मैं 15 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप इन 15 क्वेश्चन में कितने आंसर आपके सही रहे आप अगर उसको बताते हैं तो ये सीरीज जो है या जो पूरी एमपीपीएससी की तैयारी है वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव और पार्टिसिपेटिव होगी। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू अपलोड योर स्कोर कि आपने 15 में से कितने ठीक जवाब दिए। स्टार्टिंग में आपको आंसर नहीं दिखेंगे स्क्रीन पे, मैं वर्बली बताऊंगा, लेकिन बाद में जब ये लेक्चर खत्म होगा तो एंड में आंसर लिस्ट दी हुई है तो उससे आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? दोस्तों इस स्लाइड पर आप देख रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो GS1 का पेपर होता है उसका सिलेबस। वैसे तो आप में से काफी लोग ऑलरेडी अवगत हैं इससे, लेकिन जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर या एस्पायरेंट हैं तो वो यहाँ पे इस वीडियो को एक मिनट के लिए रोकिए एंड जस्ट गो थ्रू दिस सिलेबस, तो आके आपको सिलेबस के बारे में फेयर आइडिया लग सके। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन दिया हुआ है, ये देखिए इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है जिसको ऑलरेडी डील कर लिया गया है। आज हम इसी के क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों इस स्लाइड पर आप देख रहे हो कि प्रीलिम सीरीज में मैं अभी तक किन टॉपिक्स को कवर कर चुका हूं और इन हर पर्टिकुलर टॉपिक में मैं कितने लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। एज फार एज दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज कंसर्न, इट इज द पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज और इसमें अभी तक मैं 45 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। दिस वन इज द 46th लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूं उन सारे व्यूअर्स या एस्पायरेंट को जिन्होंने इस इनिशिएटिव को अभी तक सपोर्ट किया है, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर किसी ना किसी काम को या फिर मोरली मुझे सपोर्ट किया है। उसके अलावा मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि प्लीज आप अपनी प्रिपरेशन को अगर कंप्लीट बनाना चाहते हो तो मॉक टेस्ट पेपर्स को प्रैक्टिस करते रहिए। मॉक टेस्ट पेपर अपलोड कर दिए गए हैं और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी तक टोटल 23 पेपर मैं अपलोड कर चुका हूं, प्लीज एंड प्लीज टेक इट सीरियसली। उसके अलावा आपको और एक और बात बता दूं, जो भी इन स्लाइड्स या पीडीएफ्स में इंटरेस्टेड है तो इनकी लिंक मैं आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में देता जा रहा हूं, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोग प्रीलिम्स जो प्राइवेट वीडियोस हैं उनको लेके काफी परेशान हैं कि सर ये इनको कैसे देखना है, तो इसके लिए एक नॉमिनल फी करनी है आपको पे और उसके बाद आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। नॉमिनल फी है, देखिए आपको भी पता है अगर कोई हार्ड वर्क या ऑनेस्ट वर्क करता है और उसको कंटिन्यू करना चाहता है तो वो उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है ना, और ये सपोर्ट काफी जरूरी है और आप ही के लिए है, तो प्लीज एंड प्लीज डोंट माइंड इट। उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट जो वीडियोस होते हैं उनके नीचे कमेंट सेक्शन नहीं होता है, तो जब आप क्वेश्चन का जवाब या फिर अपना स्कोर अपलोड करना चाहते हो या कुछ और सजेशन देना चाहते हो, किसी वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हो, तो अब आप उसको कैसे करोगे? आप स्ट्रेट जीरो चैनल पे कम्युनिटी वाला जो ऊपर ब्लॉग होगा उस पर क्लिक करोगे, वहां पर पोस्ट होगा इसी लेक्चर का, तो वहां पर जाके आप अपना स्कोर अपडेट करोगे, ठीक है।
उसके अलावा आप अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेके आ सकूं। नाउ विद दिस बैकग्राउंड लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो दोस्तों हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि जो सिमेंटेक है इज द मेकर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सिमेंटेक एक कंपनी का नाम है जो कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाती है। एंटीवायरसेस क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि आपके कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी वायरस से, ठीक है, किसी भी ऐसी हार्मफुल एक्टिविटी से जिससे आपके कंप्यूटर को हार्म हो सकता है। तो सिमेंटेक एक कंपनी का नाम है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाती है। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाती है, वो मैकेफे वायरस स्कैन, बिट डिफेंडर, अबास्ट या नॉर्टन, इन चारों में से कौन सा सही जवाब है आपको यह बात बतानी है। तो इसका सही जवाब है सिमेंटेक जो कंपनी है वो बनाती है नॉर्टन नाम का एक एंटीवायरस। तो याद रखना जो सिमेंटेक कंपनी है वो सिमेंटेक कंपनी क्या बनाती है? नॉर्टन नाम का एक सॉफ्टवेयर, सिमेंटेक नॉर्टन, ठीक है, नॉर्टन। विंडोज एक्सपी जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें ये एक्सपी किस चीज के लिए स्टैंड करता है? देखिए हो सकता है आप इन क्वेश्चंस के जवाब ना दे पाएं या आपको देने में परेशानी हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने डेलिबरेटली थोड़ा क्वेश्चंस को हार्ड बनाया है ताकि आप लोग भी, आपकी जो नींद है, आप जो नींद में सो रहे हैं कि मेरा तो आराम से हो जाएगा, उससे जाग सको। तो प्लीज एंड प्लीज इन पे ध्यान दीजिए कि कभी भी ऐसा मत समझो कि आपकी प्रिपरेशन हो गई है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है, और मैंने ये रिजॉल्व ले रखा है कि जो भी मुझसे पढ़ रहा है उनका तो सिलेक्शन होके ही रहेगा एट एनी कॉस्ट। तो विंडोज एक्सपी जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एक्सपी किस चीज के लिए स्टैंड करता है? एक्स्ट्रा पावरफुल, एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म, एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म या फिर जस्ट एक्सपीरियंस? सही जवाब आपको देना है। आपने इसका जवाब लिख लिया होगा उम्मीद करता हूं। इसका सही जवाब है एक्सपीरियंस। तो जो विंडो एक्सपी का एक्सपी है वो स्टैंड करता है किसके लिए? एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। तो विंडोज एक्सपी का जो एक्सपी है दैट स्टैंड्स फॉर एक्सपी, क्लियर। एक्सपी जो है वो एक्सपीरियंस के लिए स्टैंड करता है। अगला क्वेश्चन, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी सर्विसेज जो हैं वो गूगल को बिलोंग नहीं करती। मतलब आपको पता है गूगल एक बहुत एक एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, जिसका आप गूगल वाला जो सर्च इंजन है वो यूज करते हो, ठीक है। तो इनमें से कौन सी सर्विस जो है वो गूगल की नहीं है? क्वेश्चन देखिए, नॉर्मली पेपर में कैसी गलतियां होती हैं, पेपर में जब आप क्वेश्चन देखते हो एकदम से उतावले हो जाते हो, अच्छा गूगल सर्विस ओके ये लगा दिया, पर नहीं, देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट बिलोंग टू, ठीक है ना। तो इसीलिए ढंग से क्वेश्चन पढ़ना है, ये आज की एडवाइस है। क्या करना है, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा, पहले तो आप ऑप्शन सुन लीजिए, यूट्यूब, ब्लॉगर, पिकनिक या एक्सबॉक्स, इनमें से गूगल की कौन सी सर्विस नहीं है? देखिए यूट्यूब जो है वो गूगल की ही सर्विस है, ब्लॉगर यूट्यूब की सर्विस है, पिकनिक भी एक गूगल की सर्विस है, जो एक्सबॉक्स है वो गूगल की सर्विस नहीं है। तो थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो एक्सबॉक्स है, ठीक है, एक्सबॉक्स, क्लियर। आगे चलते हैं, आपको यह बताना है इनमें से क्या चीज इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा में ट्रांसफॉर्म करती है? पेरिफेरल्स, रैम, रोम या सीपीयू? ये देखिए, ये चारों क्या है, पार्ट होते हैं, दीज आर दी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर है याद करो, उसमें मैंने पढ़ाया था। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपका इनपुट डेटा होता है, जैसे आपने आपने इनपुट डेटा दिया प्रिंट, तो प्रिंट का प्रिंटआउट जो निकल के आता है वो कौन करेगा इनमें से? रैम करता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या पेरिफेरल्स? तो इसमें से सही जवाब बताना है कि आपका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब, इनपुट डेटा से आउटपुट डेटा निकल के आता है सीपीयू की मदद से, ठीक है। तो सीपीयू की मदद से आपका इनपुट डेटा आउटपुट डेटा के तौर पे निकल के आता है, ठीक है। पेरिफेरल्स में आपके क्या आते हैं, जो वायर्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। फिर भी आप इसका एक बार आंसर चेक कर लेना, ए होगा या डी होगा, बी और सी तो बिल्कुल नहीं है, ए या डी में से मुझे डाउट है, लेकिन जिस बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिया है उसमें सीपीयू आंसर था, तो फिर भी आप कंफर्म कर लेना एक बार, ठीक है। आगे, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर्स वर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? आपको ये बताना है सबसे पहली बार जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स होती थी वो किस में यूज की गई? कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स, टेलीफोन्स या प्रिंटर्स? सबसे पहली बार माइक्रो प्रोसेसर किन में यूज किए गए थे? कंप्यूटर, कैलकुलेटर, टेलीफोन या प्रिंटर्स? तो इसका सही जवाब आपने लिख लिया होगा, और इसका सही जवाब है कैलकुलेटर्स में। तो कैलकुलेटर्स जो है उनमें सबसे पहली बार माइक्रो प्रोसेसर्स यूज किए गए थे। सो आंसर इज बी।
एक किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1000 बाइट्स, 128 बाइट्स, 1024 बाइट या 1036 बाइट? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट? तो 1024 बाइट्स। चलो कमेंट सेक्शन में एक ये बताना, 1 मेगाबाइट में, 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं? कितने किलोबाइट होते हैं, ये एक पहला क्वेश्चन। और कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज क्या होती है? आपके ऑप्शंस हैं बिट्स, बाइट्स, या फिर किलोबाइट या मेगाबाइट। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। आपको ये बताना है कंप्यूटर सिस्टम में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज किसको कहा जाता है और 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं। इन क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप किसी पे भी दे सकते हो, या फिर जो कम्युनिटी नाम का ऊपर ऑप्शन होगा, यूट्यूब चैनल पे जाओगे उसमें कम्युनिटी वाला ऑप्शन होगा स्ट्रेट जीरो में ही। ठीक है, तो उस पर क्लिक करोगे, पोस्ट दिखेगा, पोस्ट पे जाके अपने आंसर्स को अपलोड करोगे। इज दैट क्लियर? BSNL, रिलायंस, शॉ केबल, AOL, टाटा इंडिकॉम ऑल कैन बी कैप्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। इनमें से किस ग्रुप में आती हैं ये सारी कंपनियां? टाटा इंडिकॉम हो गई, BSNL हो गई, रिलायंस हो गई। ठीक है, तो ये सारी किस किस में से किस में आती हैं? ISDN में, इंटरनेट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, IRC में, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आइकन्स में। ठीक है, तो आप IRC का फुल फॉर्म बताना मुझे और आइकन का फुल फॉर्म बताना। तो इन चारों में से किस में आती हैं ये सारी कंपनियां? ठीक है, इनका मैं बता ही चुका हूं, बाकी इन दोनों का आप मुझे फुल फॉर्म भी बताएंगे और अभी तक हो सकता है, उम्मीद करता हूं आपने आंसर दे दिया होगा। और ये सारे आते हैं आइकन्स के अंदर। ठीक है, आइकन्स के अंदर BSNL, रिलायंस, सौ केबल, AOL और टाटा इंडिकॉम टाइप की जो कंपनियां होती हैं वो आइकन्स के अंदर में आती हैं। आप इनका मुझे फुल फॉर्म बताना, इन चारों के फुल फॉर्म बताना, ये आपका काम है। ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनका जवाब देंगे। तो आइकन के अंदर आती हैं ये सारी कंपनियां। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आपको ये बताना है इनमें से कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर। अगर आपको याद हो मेरा जो थर्ड या फोर्थ लेक्चर था ICT सीरीज का, उसमें मैंने ये बताया था आपको। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है किस जनरेशन के कंप्यूटर में आते हैं? फर्स्ट इम्पॉसिबल, थर्ड इम्पॉसिबल, फिफ्थ या फिर सेवेंथ? सी या डी में से आपका आंसर होगा इसका, बताइए। और इसका सही जवाब है, यस बोलिए, इसका सही जवाब है सी, फिफ्थ जनरेशन। सेवेंथ जनरेशन के तो अभी कंप्यूटर्स आए ही नहीं है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है, आपको ये बताना है विच ऑफ दी फॉलोइंग आर कॉल्ड नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। मतलब नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम किस जनरेशन के कंप्यूटर या किस टाइप के कंप्यूटर को बोला जाता है? फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स या लैपटॉप या सर्वर्स, किनको नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम बोला जाता है? और यस, इसका सही जवाब क्या है? फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर होते हैं इनको बोला जाता है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर आए थे ना, उसके बाद वो नॉलेज इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस करने लगे थे। मतलब डिसीजन मेकिंग वगैरह उनमें आ गई थी, जो भी आप उनमें डेटा डालते थे तो वो उसको प्रोसेस करके कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन बना लेते थे। तो ये सारी फीचर्स थे हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि सी, कोबॉल, फोरट्रेन वर यूज इन विच ऑफ दी फॉलोइंग कंप्यूटर। आपको ये बताना है किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में ये सारी लैंग्वेजेस यूज होती थी? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? किस जनरेशन के कंप्यूटर में ये जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो यूज होती थी? और देखिए, हो सकता है आपको ये सारे क्वेश्चन टफ लग रहे हो, पर मैं बता रहा हूँ डेलिबरेटली मैंने टफ बनाया है, सो दैट जिस इस टॉपिक को मैक्सिमम बच्चे बहुत इजी समझते हैं, और बस वो जो आप ये जो आपसे कभी कभी गलती हो जाती है वो गलती ना हो, बस इसीलिए मैंने ये ऐसे ऊट पटांग या थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो इसका सही जवाब है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उनमें ये सारी लैंग्वेज, मतलब थर्ड जनरेशन और प्लस में ये यूज होने लग गई थी। ठीक है, तो सी, कोबाल, फोर्ट्रन में, ये आपकी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड कंप्यूटर में कौन से फीचर होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर के फीचर होते हैं, डिजिटल के होते हैं, या दोनों के होते हैं, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के होते हैं? याद होगा अच्छे से, ये मैंने अपनी लेक्चर सीरीज के दौरान ये सारी चीजें बताई हैं। अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा तो प्लीज उसे दोबारा जाके देख लीजिए।
इसका सही आंसर है बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर के फीचर होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप्स? ये बताओ नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप में इनमें से कौन सी की नहीं होती है, टर्न की, ऑल्ट की, डिलीट की या फिर शिफ्ट की? यार देखो शिफ्ट की तो बड़े आराम से होती है, डिलीट की हाँ ये भी होती है, ऑल्ट की ये भी होती है। तो अब आंसर समझ गए होंगे क्या आंसर है इसका, ट्वेल्थ का आंसर हो गया ए, टर्न की नहीं होती है। चलो ये बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टर्न की, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टर्न की? बाकी सारी की का तो फंक्शन पता होगा क्या होता है, लेकिन टर्न की का क्या फंक्शन होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 32-bit ऑपरेशन वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय माइक्रोसॉफ्ट इंक, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने 32-bit ऑपरेशन को सबसे पहली बार स्टार्ट किया था किस ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज 9.5, विंडोज 3, विंडोज 3.11 या नन ऑफ द अबव? और इसका 32 जो बिट ऑपरेशन था उनका माइक्रोसॉफ्ट वालों का, ये उन्होंने चालू किया था विंडोज 3.11 के साथ, जो विंडोज 3.11 है उसमें 32-bit ऑपरेशन चालू हो गया था। ठीक है, देखिए इन सब की डिटेल में जाया जा सकता है लेकिन मुझे इतना आवश्यक नहीं लगता कि मैं इनकी डिटेल में जाऊं, बस मुझे ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन मिले थे जो मैंने आपको यहां पे पढ़ा के आपको बताने की कोशिश किया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट नेम्ड विंडोज इन विच ईयर? तो आपको यह बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो नामक ऑपरेटिंग सिस्टम को किस साल में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, 1977, 1980, 1985 और 1990? इनमें से कौन सा सही जवाब है? और इसका सही जवाब आपने लिख लिया होगा अभी तक, देखिए आप अपने आंसर लिखते जाइए और चेक करते जाइए, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। और प्लीज आप जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं उनके कमेंट सेक्शन में जवाब देना ना भूलें। तो इसका सही जवाब है 1985। देखो विंडोज हम आज तक यूज कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें विंडोज के बारे में नॉलेज होने की। तो 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू किया था। विच अमंग द फॉलोइंग की इज यूज फॉर चेकिंग प्रोग्राम, चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग? आपको ये बताना है, आपको पता होगा आपके लैपटॉप कंप्यूटर में F1 से लेके F12 तक की होती है ऊपर, ठीक है ना, टॉप मोस्ट में। तो अब ये बताना है इनमें से कौन सी जो की है F3, F5, F7, F9 वो ग्रामर और स्पेलिंग को चेक करने के लिए यूज की जाती है। ये तो बहुत ही जनरल नॉलेज क्वेश्चन हो गया यार। तो यस प्लीज बताइए इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है F7C, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, सी। तो इसी के साथ दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, इनके जो सही जवाब हैं वो यहां पे लिखे हुए हैं। तो प्लीज गो थ्रू दीज आंसर्स, अपने आंसर्स चेक करो, अपना स्कोर देखो कितना आया 15 में से, और इसको अपलोड करो, ठीक है, अपलोड करो। और अपलोड आप किस पे करेंगे, कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स हैं, अपलोड करना आप। दोस्तों ये जो लेक्चर डिजाइन किया गया है वो पुराने पेपर के एनालिसिस और MPPSC सिलेबस को ध्यान में रख के, और जो डेटा लिया गया है वो इंटरनेट और बेसिक रेफरेंस बुक्स से लिया गया है। स्टिल अगर कहीं पे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज आप मुझे क्षमा कीजिए और मुझे करेक्ट कीजिए, करेक्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों अगर कोई क्वेरी आती है तो या तो आप मुझे इस ईमेल आईडी या इस फोन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने ये लेक्चर काफी इंजॉय किया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि देयर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MPPSC। दोस्तों इसके अलावा मॉक टेस्ट पेपर देते रहिए कंटिन्यूअसली, और क्या कहते हैं प्रीलिम्स वीडियोस जो हैं वो उनको, जितने भी वीडियोस हैं उनको एटलीस्ट 2 से 4 बार देखिए। इज दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अब दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आप साथ में ये भी बता देना मुझे कि ये लेक्चर कैसा लगा, शुड आई कंटिन्यू इट और शुड आई क्लोज इट। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन दस विदानिया।